हेलो एवरीवन, आई एम हीना शर्मा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग. मैं आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर स्वागत करती हूँ. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे. जल्दी से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ते जाइए, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, इस क्लास के लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे फ्रेंड्स इस क्लास का बेनिफिट ले सकें. अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़े हैं, इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बता देती हूँ. रीजनिंग की क्लास डेली होती है, मंडे टू संडे. 3:30 PM हम कर रहे हैं RBI असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क का पार्ट ए, या वन बोल सकते हो. और 6 PM पे हमारी क्लास चल रही है RBI असिस्टेंट SBI क्लर्क का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी या पार्ट टू. स्टूडेंट्स, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. मैंने MCA पास आउट की है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से. आई एम सिलेक्टेड इन IBPS RRB 2014. आई हैव डन डिप्लोमा इन रीजनिंग फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी. आई हैव मोर देन 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रीजनिंग फैकल्टी. आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अनअकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर इस ID पर जाकर फॉलो कर सकते हैं. हीना शर्मा 18 लिंक को क्या करना, सर्च करना, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसका बेनिफिट ले सके. जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़े हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, अनअकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा. अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हो तो वेरी गुड, अगर अभी तक नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए. नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट योर गोल. गोल सिलेक्ट कर लेना है हमें, बैंक एग्जाम. अब बात आती है प्लस का बैच हम ज्वाइन क्यों करें, इसका बेनिफिट क्या क्या है. देखिए, आपको यहाँ मिलता है फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, कंसेप्ट बेस्ड क्विजेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, डिटेल टेस्ट सीरीज. फील लाइक यू आर इन द क्लासरूम. आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप लोग अपने क्लासरूम में अपनी फैकल्टीज के सामने बैठे हैं. चैट विद द एजुकेटर, इंटरैक्टिव पोल्स, लर्न एनी टाइम एनी वेयर. देखिए कितने सारे बेनिफिट आपको सिर्फ प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे. अब बात आती है कि मैम इसकी फीस क्या है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं. ये बच्चे मंथ वाइज फीस लिखी हुई है, आप लोगों को जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अब बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या इस फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा. बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उस डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड यहां पे अप्लाई करना होगा, जो कि है HS Live. H for Heena, S for Sharma, LIVE Live, HS Live. इस कोड को अप्लाई करने से आप लोगों को मिलता है 10% का डिस्काउंट. कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने सिलेक्ट किया 12 मंथ की फीस है 6000, लेकिन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया HS Live, कैपिटल लेटर्स में लिखा और यहाँ अप्लाई कर दिया और देन कंटिन्यू कर दिया, तो आपकी फीस देखिए क्या हो चुकी है, 5400 ओनली. लेकिन ये कब हुई? रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली आने के बाद, HS Live अप्लाई होने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अभी 24 मंथ्स के लिए ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते हो. 24 मंथ्स की फीस है 9600, आपने फिर अप्लाई कर दिया HS Live अप्लाई करते ही आपको फिर मिल चुका है 10% का डिस्काउंट, और फीस हो चुकी है, आपकी फीस हो चुकी है 8640 rupees ओनली. आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा. मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसका पार्ट 4 करेंगे हम. लास्ट क्लास की वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. आज की क्लास की वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक इट. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. देखो, क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, आराम आराम से एक एक लाइनें पढ़नी है और सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा 8 person PQRSTUVW, अब बच्चों को डाउट कहाँ आता है कि मैम हमें ये नहीं पता लगता कि इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए ऐसी कौन सी लाइन को पहले पिक करें जिससे हमारा क्वेश्चन पूरा आसान हो जाए. तो बच्चे, आपको एक एक चीज आराम से समझाऊंगी, समझते रहना, ठीक है. हमसे कहा 8 person है PQRSTUVW, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. रेक्टेंगुलर टेबल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 person आर सिटिंग ऑन ईच विड्थ साइड. अब देखो, सबसे पहली बात, रेक्टेंगुलर टेबल है तो ये लीजिए, हम नीचे यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल बना लेते हैं.
थ्री पर्सन हमसे कहा रेक्टेंगुलर टेबल में हमने एक बॉक्स बनाया, वन ऑन ईच लॉन्ग साइड ऑफ द टेबल, लॉन्ग साइड पे कितने पर्सन है, एक पर्सन है, और यहां पे थ्री पर्सन है, ये लीजिए थ्री पर्सन है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सभी पर्सन का फेस सेंटर की तरफ है, ये लीजिए सभी पर्सन का फेस सेंटर की तरफ है, तो हम सबका फेस सेंटर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोला हुआ है, लाइक डिफरेंट कलर्स, कलर्स लाइक करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे कहा वी सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, जो वी है वो यू के सेकंड लेफ्ट पे है। बच्चे एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि कुछ पर्सन कॉर्नर पे है, कुछ का फेस इनसाइड है, कुछ का फेस आउटसाइड है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि मैम हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए यहां से क्यों करें, यहां से क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन को स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वी सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, मैंने वी को सबसे नीचे बिठाया, वी जो है वो यू के सेकंड लेफ्ट पर है, ये लीजिए सेकंड लेफ्ट ये हो गया। एक बार मैं वी के साथ जो लाइन बनी हुई है इस लाइन को रब कर देती हूं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए ये हमारा हो चुका है। टू पर्सन्स सिट बिटवीन यू एंड आर, अब देखो यू और आर के बीच में दो पर्सन है, एक दो, दो पर्सन का गैप आर यहां पे हो सकता है, ठीक है, या फिर दो पर्सन का गैप आर यहां भी तो हो सकता है। तो बच्चे जल्दी से एक दूसरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, छोटू सा बना रही हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, आराम से समझाऊंगी। मैंने बनाया यू यहां पे, यू का सेकंड लेफ्ट वी, अब वी और आर में दो पर्सन का गैप है तो आर यहां पे भी तो हो सकता है हमारा, ठीक है। हु लाइक्स पिंक, आर लाइक करता है पिंक कलर, ये लीजिए आर लाइक्स पिंक, आर लाइक पिंक, यहां भी लिख देते हैं पिंक छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पास W इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ V नोर R, W जो है ना तो V का नेबर है और ना ही वो R का नेबर है। तो बच्चे W कहां पे आएगा, W के लिए एक ही सीट तो बची है, W तो यहीं पे आ जाएगा। अब W V का नेबर भी नहीं है, W R का नेबर भी नहीं है, तो W R का नेबर भी नहीं है तो W यहां भी हो सकता है और W यहां भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें पता लग चुका है। W इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ V नोर R, आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन W एंड P, अगर W यहां पे है तो दो पर्सन का गैप हमारे पास P कहां आएगा, दो पर्सन का गैप P यहां भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये W कैंसल, ये वाला W हमारा सही हो चुका है। अब अगर है W यहां, दो पर्सन का गैप P यहां भी हो सकता है, नहीं यहां नहीं होगा सॉरी, दो पर्सन का गैप कह रहा है W और P में, एक दो, P तो यहां हो ही नहीं सकता, फिर W यहां है तो दो पर्सन का गैप P यहां भी तो हो सकता है, एक ही पोजीशन बची, मैं इसको रब कर देती हूं जो ये मैंने गलती से लिखा था, और यहां पे W, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सबको, W और P में दो पर्सन का गैप है। आगे बढ़ते हैं, नाइदर W नोर V लाइक ऑरेंज, अब W और V दोनों ऑरेंज लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, द वन हु लाइक ऑरेंज इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ V नोर W, अब जो ऑरेंज पसंद करता है वो ना तो V का नेबर है ना ही वो W का नेबर है, तो बच्चे ऑरेंज के लिए एक ही प्लेस तो बचा P, यहां पे तो एक ही प्लेस बचा है हमारे पास P, अब V का नेबर भी नहीं है ऑरेंज हमसे कहा और W का नेबर भी नहीं है, तो ऑरेंज हमारे पास दो सीट बचे हैं यहां पे, R के साथ भी हो सकता है और यहां पे भी ऑरेंज हो सकता है, इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं नीचे वाले डायग्राम में। द वन हु लाइक्स पर्पल फेसेस द वन हु लाइक्स ऑरेंज, अब जो पर्पल पसंद करता है वो ऑरेंज की तरफ फेस कर रहा है, तो ये लीजिए पर्पल, ये पर्पल हो चुका है। यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, अब देखो हमारी एक पी वाली लाइन रह चुकी है, डब्ल्यू और पी में दो पर्सन का गैप था तो पी तो कंफर्म था यहीं पे आएगा,
लेकिन यू और पी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो बच्चे नीचे वाला डायग्राम तो गलत हो गया, क्योंकि यू और पी हमारे इमीडिएट नेबर्स ही आ रहे हैं। आई थिंक ये जो मैंने क्रॉस किया आपको समझ आ गया होगा, यू और पी हमारे पी के नेबर्स ही आ रहे हैं, तो हम इसको रब कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो चुकी है, कंफर्म पता लग चुका है, ऊपर वाला डायग्राम हमारा सही चल रहा है। आगे आते हैं, एस लाइक्स ब्लू कलर। अब एस ब्लू कलर पसंद करता है, अभी तो इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा। आगे आते हैं, टी लाइक्स रेड कलर, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, द वन हु लाइक रेड इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ पी नोर द वन हु लाइक्स पर्पल। रेड वाला ना तो पी का नेबर है और ना ही वो पर्पल का नेबर है, तो कंफर्म हो गया टी यहां पे होगा और टी के लिए रेड हमसे बोला ही था, कंफर्म हो चुका है ये तो भाई। द वन हु लाइक्स व्हाइट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। व्हाइट यहां पे नहीं आएगा, तो बच्चे व्हाइट कहां कहां आ सकता है, एक तो व्हाइट यहां भी आ सकता है और एक व्हाइट W के लिए भी तो आ सकता है, लेकिन शायद एक लाइन बोली थी हमसे ऊपर W के बारे में, एक लाइन थी, पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये रहा नीचे, W does not like black, ठीक है अब इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा एक बार, तो व्हाइट यहां भी हो सकता है और व्हाइट यहां भी हो सकता है। द वन हु लाइक व्हाइट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज, ठीक है। अब देखो क्यू लाइक्स व्हाइट, Q likes white बोल दिया तो कंफर्म है Q यहां आ जाएगा, white cancel। अब देखो S के लिए एक लाइन बोली थी S like blue color, तो बच्चे S तो यही बचा है, एक ही पर्सन कलर blue बोल दिया तो ये लीजिए blue। अब Q white हो ही चुका है हमारा, W के बारे में बोला W black color पसंद नहीं करता, तो black कौन पसंद कर लेगा, V करेगा black पसंद। अब देखो हमारे पास W के लिए एक ही कलर बचा है, फटाफट से ऊपर चेक कर लेते हैं, व्हाइट हो चुका, रेड हो चुका, ग्रीन नहीं हुआ, तो W का कलर पता लग चुका है ग्रीन। ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई थिंक समझ आ गया होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था बच्चे, क्लर्क के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, आप सबको पता भी होगा। एक बार चेक कर लो क्या सबका क्वेश्चन सेम बना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है, अब देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन के आंसर पूछता क्या क्या है। हमसे कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोविंग स्टेट्स थर्ड राइट ऑफ पी, कि पी के थर्ड राइट पर कौन है, चलते हैं। देखो पी का थर्ड राइट, पी देख लो कहां है, ये रहा पी का थर्ड राइट, 1 2 3 means Q white, तो हमारे पास दिया हुआ है Q, option number D is the answer, simple। Next आते हैं, which of the following is true regarding W, W के regarding true क्या है, option सामने है, पीछे चलते हैं W के regarding true क्या है। देखो W के regarding true हमारे पास एक तो ये बोला हुआ है W green like करता है, ठीक है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ W, W faces S। देखो हमारे पास क्या बना था कि W जो था वो टी का इमीडिएट नेबर था, तो ऑप्शन नंबर 47 का बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे एक बार अगर डायग्राम बन चुका तो क्वेश्चन के आंसर तो आप लोग अपने आप ही दे दोगे, जल्दी से 48 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा, आप सभी भी जल्दी से आंसर दे देना। Four of the following, five are alike in a certain way, based on a group. Find the one that does not belong to that group. कौन अपने ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, जल्दी से बताओ। देखो P और U कहा, P और U का फेस एक दूसरे की तरफ था, फिर हमारे पास है W and Q, W और Q का फेस भी हमारा एक साथ था, ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपने ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा, मीन्स ऐसा पर्सन जो फेस या तो अपोजिट ही करेगा भाई, सिंपल सी बात है, तो चेक कर लो एक बार, और आमने सामने बैठे हैं, पी और यू एक दूसरे के सामने है, डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के सामने है, वी और टी भी एक दूसरे के सामने है, आर और एस भी एक दूसरे के सामने है, लेकिन क्यू और आर एक दूसरे के सामने नहीं है, डायगनली अपोजिट है, चेक कर सकते हो। ये देखो क्यू यहां पे दिया हुआ है और हमारा आर यहां पे दिया हुआ है,
क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे ही सकते हो। 49 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर। 49 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, कि ब्लैक के थर्ड लेफ्ट पर क्या होगा। जल्दी से देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिसका भी डी आंसर है, वेरी गुड। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर। भाई अगर डायग्राम जिसने भी सही बनाया होगा, आंसर सही दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। एस और ग्रीन के बीच में कितने पर्सन है चेक कर सकते हो, एस और ग्रीन चेक कर लो, फिर देख लेंगे गलत है या ठीक है। एक मिनट रुको, एस और ग्रीन के बीच में कहा है चेक भी कर लेते हैं। एस हमारा यहां पे है, ग्रीन हमारा, तीन पर्सन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर दोगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो, आंसर क्या आएगा। जिसका भी हो जाए डन लिख देना कि यस मैम डन। कितना आसान क्वेश्चन दिया। सिक्स पर्सन पी क्यू आर एस टी इन अ ग्रुप हैव डिफरेंट वेट्स। भाई वेट दिया हुआ है, हाइट वेट सब कुछ भी आ सकता है। देखो कैसे करना है, आर इज हैवियर देन ओनली थ्री पीपल। आर जो है वो सिर्फ तीन पीपल से हैवी है, एक दो तीन, ठीक है। एस इज हैवियर देन ओनली टी। अब एस जो है वो सिर्फ टी से हैवी है, ये लीजिए, ये तो पता लग चुका है, यही होगा हमारा। टोटल पर्सन सिक्स है, दो पर्सन और आएंगे। पी इज नॉट द हैवीएस्ट। अब पी जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, मीन्स पी यहां पे नहीं आएगा। हिज वेट इज 80 किलोग्राम एंड क्यू का वेट है 60 किलोग्राम। तो पी तो है क्यू से आगे ही आएगा, मीन्स पी सबसे पहले नहीं आएगा तो यहां पे आ जाएगा। पी का वेट हमसे कहा 80 किलोग्राम और Q का वेट है 60, तो भाई Q तो यहीं पे आएगा। एक ही पर्सन बचा है Z, हो गया क्वेश्चन। Who among the following is the heaviest person? सबसे हैवी कौन है भाई, सामने आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना क्लियर हो गया होगा। What will be the possible height of R? R की पॉसिबल हाइट क्या है? देखो अब देखो, R जो है 80 से ज्यादा नहीं होगा, 60 से कम नहीं होगा, तो 80 और 60 के बीच में क्या है, 80 और 60 के बीच में 76 हो जाएगा, सी आंसर। पॉसिबल ही तो पूछा है। चलो, इफ वेट ऑफ Z इज 98 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ वेट बिटवीन Z एंड Q। भाई Q का वेट कितना था, ये देखो Q का वेट था 60, तो 98 और 60 में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आसान है ये क्वेश्चन भी। सिक्स आयरन रॉड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट लेंथ दी हुई है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है भाई। जैसे अभी क्वेश्चन आपको करवाया सेम वैसा क्वेश्चन है, समझा देती हूं। हमसे कहा क्वेश्चन में L इज लॉन्गर देन N, एंड L जो है वो N से लॉन्गर है बट शॉर्टर देन M, ये लीजिए M से शॉर्टर है। M एंड K, M और K दोनों से शॉर्टर है भाई, M और K दोनों के शॉर्टर है, तो हमें नहीं पता M कहां और K कहां। J इज लॉन्गर देन K एंड M, जो J है वो K और M दोनों से लॉन्गर है। J इज नॉट द लॉन्गेस्ट पर्सन, अब J सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, एक दो तीन चार पांच, एक ही पर्सन बचा है पी, ये लीजिए क्वेश्चन हो गया हमारा। पी इज 20, पी के बारे में बोला हुआ है 23 सेंटीमीटर, एल का बोला हुआ है 9 सेंटीमीटर, हो गया क्वेश्चन सिंपल। इफ एम इज 7 मीटर शॉर्टर देन पी, अगर एम जो है वो पी से 7 मीटर शॉर्टर है, वट वुड बी द लेंथ ऑफ एम। भाई 23 में से 7 को माइनस कर दो, जल्दी से बताओ 54 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
23 माइनस 7 कितना होगा? गलती मत करना 24 का, सी ऑप्शन कह रहे हो आप लोग। 23 थे ना हमारे पास, काउंट कर लेते हैं। 23 माइनस 7 ठीक है भाई, 16 आ जाएगा। मैथ तो वीक नहीं होगा किसी का आई थिंक। विच वायर हैज द लीस्ट लेंथ, जल्दी से बताओ 55 का आंसर। सबसे कम लेंथ किसकी है? ये देखो सबसे कम एन, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 to 60, लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई तो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेना भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप काफी बच्चों को इसको पता होगा सॉल्व करने का मेथड, कि कॉमन देखना है हमें। कॉमन कैसे देखना है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में है गुड, ठीक है, और हमारे पास थर्ड में भी है गुड। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर गुड दिया हुआ है तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। मी दिया हुआ है और मी दिया हुआ है। मैंने गुड क्यों देखा? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था कि गुड का कोड क्या होगा। सीधा पता लग चुका है ऑप्शन नंबर 56 का बी हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा देखा फर्स्ट और थर्ड में कॉमन गुड और कॉमन कोड क्या है हमारे पास, मी है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब है हमारे पास स्पेशल का कोड क्या है, जल्दी से एक बार देख लो स्पेशल का कोड। अब चलते हैं यहां पे, देखो स्पेशल देख लो कहां कहां पे है। स्पेशल यहां है और स्पेशल यहां भी दिया हुआ है। अब इन दोनों में कोड कॉमन देख लो क्या दिया हुआ है भाई। मुझे दिख रहा है ZN और ZN, तो देख लो ZN है हमारे पास ऑप्शन, बिल्कुल है। 57 का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट है। समझ आ गया होगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कोड फॉर वेरी यू, वेरी और यू दोनों का कोड बताना है। चलते हैं पीछे, वेरी यू ये रहा, वेरी यू एक तो ये रहा, और चलते हैं वेरी यू कहां है, एक ये रहा वेरी यू, और हमारे पास यू तो यहां भी है लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है। इन दोनों में कॉड कॉमन देख लेते हैं एक बार, दोनों में कॉड कॉमन देख लेते हैं हम वेरी यू के लिए। एक तो मुझे दिख रहा है, देखो यू यहां पे भी दिया हुआ है, यू यहां पे भी दिया हुआ है, और यू ऊपर कहीं भी नहीं दिया हुआ। ये तो आर वेरी था, ये नहीं होगा, ये गलत है बच्चे, आर वेरी नहीं होगा। यू इन दोनों में है, इन दोनों में कोड कॉमन क्या दिख रहा है फटाफट से चेक करो, एस बी, तो एक तो पता लग गया एस बी। वेरी कहा था, वेरी के लिए देखते हैं, एक ये रहा वेरी, एक बार रब कर देती हूं मैं आप लोगों को दिख जाए, एक मिनट रुकना मैं इसको सबको रब कर देती हूं आपको दिख जाएगा। देखो एक ये रहा यू, एक ये रहा यू, दोनों में कोड कॉमन एस बी, एस बी पता लग गया एस बी। वेरी पूछा था हमसे, वेरी ये रहा और वेरी ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, के एस, ये लीजिए एस बी के एस। और ये जरूरी नहीं है ये दोनों ऐसे ही चाहिए, के एस आगे भी आ सकता है, एस बी पीछे भी जा सकता है, बट हमें पता लग चुका है एस बी एंड के एस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑलवेज, ऑलवेज का कोड बताना है आप लोगों को। चलते हैं पीछे, चलो ऑलवेज देख लो कहां कहां पे है। पहली बात देखो ऑलवेज के लिए, ऑलवेज एक सिंगल वर्ड है आपके पास, यहां पे ए बचा हुआ है, ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, इन दोनों में ए के लिए डीएन है भाई, ऑलवेज के लिए एक ही तो बचा है वीओ, ऑलवेज का कोड सीधा पता लग गया हमें वीओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फ्रेंड क्लोज, फ्रेंड और क्लोज दोनों का कोड बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग इस क्वेश्चन पे आ जाओ।
एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, ऑलवेज नहीं था, फ्रेंड क्लोज. चलो फ्रेंड और क्लोज दोनों का बताना है, देखते हैं क्या बताओगे. फ्रेंड है फर्स्ट पे, फ्रेंड है सेकंड पे, और कहीं फ्रेंड है? नहीं है. तो हमारे पास फ्रेंड के लिए कॉमन क्या है? आर एच. अब देखो क्लोज कहीं पे आपके पास दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ, मींस नया क्वेश्चन है तो नया कोड मिलेगा. तो हमें अभी फ्रेंड के लिए एक चीज पता लग चुकी थी, क्या पता लग चुकी थी? आर एच. यही था हमारा आर एच. यस आर एच. आर एच तो सब में है, लेकिन ऐसा कोई कोड जो बिल्कुल नया है? देखो डीपी कहीं भी नहीं था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नया कोड आ चुका है आपके पास, नया वर्ड आया क्लोज, तो उसका आंसर नया आपके पास क्या होगा? डी पी. ये थे हमारे क्वेश्चंस आज की क्लास के. आई थिंक आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर राइट है, तो एक बार क्लास के भी अभी क्लास के साथ साथ नीचे लिख देना कि कितने ठीक है. 15 क्वेश्चंस किया हमने आज, कितने कितने मार्क्स आए, कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, 15 आउट ऑफ लिख देना कि मैम 10 राइट, 12 राइट, 15 राइट. जिसके मैक्सिमम राइट है, वेरी गुड स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब अनअकैडमी स्टूडियोज वोल्ट एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. सॉरी स्टूडियोज वोल्ट नहीं, हमारे चैनल का नाम चेंज हो चुका है, लेट्स क्रैक द बैंक एग्जाम. भाई सिंपल सी बात है, बैंक एग्जाम को क्रैक करना है, लेट्स क्रैक द बैंक एग्जाम. बिल्कुल करेंगे आप लोग, बिल्कुल ना. तो अगर आप लोग चाहते हैं रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना, तो आप अनअकैडमी प्लस पर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं. बैच ज्वाइन करने के लिए एच एस लाइव कैपिटल लेटर्स में रेफरेंस कोड मेरा यूज कर लेना, ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाए. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, व्हाट्सअप का नंबर मैंने सबको दिया हुआ है, अगर नहीं हो पिछली वीडियोज में जाकर व्हाट्सअप का नंबर देख सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.